नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल सैनी। मेरे चैनल डिलीशियस डिशेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता जो बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है और सभी को बहुत पसंद आता है। आज हम बना रहे हैं वेज ब्रेड ऑमलेट, जिसको बनाने के लिए बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमने लिया है बेसन, लिया है 1 कप, 1/4 कप मैदा है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं और ब्रेड हैं। बस इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम वेज ब्रेड ऑमलेट बना रहे हैं। वेज ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए मैंने ये एक बैटर बना लिया है। अभी जो मैंने इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे, बेसन, मैदा और ये बेकिंग पाउडर डालकर, एक देखो मैंने बिल्कुल थिन बैटर बना लिया है। बस इसी बैटर के साथ हमें वेज ब्रेड ऑमलेट बनानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेज ब्रेड ऑमलेट के साथ हम ये चटनी बनाएंगे। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने इसमें लिए हैं टमाटर, लहसुन लिया है, थोड़ा अदरक का पीस लिया है, 2-3 हरी मिर्च हैं और इसमें नमक, थोड़ा जीरा, काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा कोर्स ही पीसेंगे। ये चटनी ऑमलेट के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। बेसन का, मैदे का और इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा नमक डाला है और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। और अब इसमें ये फ्लफीनेस आ गई है, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा वेज ब्रेड ऑमलेट बनने के लिए तैयार है। अब हम इसमें 2 ब्रेड स्लाइस डिप करेंगे और उसको फिर पैन में डालेंगे। बस ऐसे हमें ये ब्रेड स्लाइस इसमें डालनी है बैटर में और इसको हम पैन में डालेंगे। मैंने पैन में इनको डाल दिया है और साइड में थोड़ा तेल डालेंगे जिससे कि ये पैन पर चिपके नहीं। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और अब अच्छे से ये बेक हो जाएगा। इस पर थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी बच्चों को पसंद है। मैंने थोड़ा ऑनियन लिया है, टमाटो है और कैप्सिकम। इनको प्रेस कर देंगे ताकि इस पर अच्छे से बैटर पर चिपक जाए। इसके ऊपर थोड़ा बटर ऐड करेंगे जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये बिल्कुल ऑमलेट के जैसा ही टेस्ट आएगा। और अब हम इधर से चेक करेंगे इसको कि ये अच्छे से सिक गया है। आप देख सकते हैं गाइस, ये अच्छे से बेक हो गया है एक साइड से। हम दूसरे वाले को भी ऐसे ही पलट लेंगे। साइड में थोड़ा बटर लगाएंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से ही ये कितना प्यारा लग रहा है। और बस ये झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। सुबह बच्चों को स्कूल में जाने के लिए टिफ़िन में कुछ भी समझ नहीं आए तो हम बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही जल्दी। अब हम इसको इधर से भी एक बार पलट देंगे। देखिए ये इधर से भी पक चुका है। बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है इसका। जो लोग एग नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सुबह सुबह बहुत जल्दी बनता है और बहुत आसान रेसिपी है। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से बेक हो गया है। ये मैंने चटनी बनाई है जो बहुत ही कोर्स पीसी है,
टमाटर, गार्लिक और जिंजर है इसमें, और कोरिएंडर है। आप सभी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।